सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मनजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और काफ़ी सारे पशुपालक हैं जो हरियाणा से पशु परचेज करके अदर स्टेट लेके जा रहे हैं, और सभी भाई चाहते हैं कि एक साथ एक ही जगह पर अगर पशुधन एक साथ देखने को मिले तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो कम पशुपालक ऐसे हैं जो एक साथ अपनी वीडियो में काफ़ी सारा पशुधन दिखाते हैं। आज फिर से आपको ये जो पशुधन कैमरे के सामने है सभी की सभी भैंसे बिक्री के लिए, इनके बारे में डिटेल से जानकारी लें, जिस ओनर के पास है उनसे मिलवाएं। उससे पहले जो भी भाई पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि रेगुलर वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। आज काफ़ी जानी पहचानी जगह है जी, हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट को किसी टाइम में मुर्रा की खान माना जाता था, लेकिन आज गिने चुने पशुपालक हैं जो अच्छा पशुधन बेच रहे हैं जायज़ भाव में। उसी के अंदर सबसे पहला नाम रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अगर काउंटिंग में आता है तो सजन दांगी भाई का आता है, जिनका किसान डेयरी फार्म के नाम से इनका ये फार्म है। और एक साथ आपको जायज़ से जायज़ रेट का पशुधन देखने को मिलता है। तो आपको मिलवाते हैं, पशुधन के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सजन भाई, ठीक हो? बढ़िया जी। कितने पशु दिखा रहे हो आज? आज मुझे 6-7 हैं भाई। तो शुरुआत कर देते हैं पहले नंबर से ही, क्या कुछ डिटेल है इस जोटी की? मंजीत भाई इसका दूसरा दांत है जी, और नीचे इसके कटड़ा है भाई। नीचे कटड़ा 12-13 दिन की ब्याई है भाई। हाँ हाँ, अगला तो 9-10 दिन की कह रहा, अप्रोक्सीमेटली है इतने दिन जी जी, क्योंकि दूध मौके पे 15 है इसका जी जी, और नीचे कटड़ा है ही जी जी। ले आओ, गांव से आई है, ऊन गांव से आई है जी जी। 16-16.5 किलो दूध की रिपोर्ट है भाई पिछले ब्यांत, पहले ब्यांत की। हाँ, बट शरीर के हिसाब से, कद काट के हिसाब से, और जिस आज जिस टाइम पे है भी उसको देख के उम्मीद भी है कि निकाल लेगी 17-18 जी जी। एक बार ले आओ इधर दूसरे ब्यांत की जोटी जी। पहले ब्यांत में 16 किलो दूध की जो रिपोर्ट पिछले पशुपालक ने इनको दी है, 15 किलो दूध आज मौके पे तैयार और 12 दिन की ब्याई हुई है। बिल्कुल छोटे सींग की, साइज काफ़ी अच्छा है, और नीचे से जो अडर की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, पैर के बीच का टाइट अडर है। ले आओ जी। तो जहां से परचेज की है वो पशुपालक ने कहा था कि आज 8-9 दिन के, लेकिन भाई ने स्पष्ट बताया 12 दिन की ब्याई हुई में, साथ में मेल काफ और 15 किलो दूध तैयार है। जो साइज है रोहतक के पशुओं का अच्छा रहता है, लेकिन ऊण गांव से लेके आए, ऊण तो शायद चरखी दादरी में, कटेसरा गांव के पास जी जी, कलानोर रोहतक में ही पड़ गया आपका तो। हाँ। जी जी, तो ये देखिए जी, यहाँ से आपको दिखाएं, बहुत ही शानदार, जो थन बहुत ही मजबूत है इस जोटी का, ब्यूटी काफी ज्यादा है, बिल्कुल शो क्वालिटी का इसका फेस। नीचे से जो अडर की बनावट है, एक पैर के बीच का जो टाइट, ऐसा आर्डर जिसमें कभी भी शायद बहुत कम चांसेस होते हैं जब ऐसे आर्डर में थन वगैरह की कोई दिक्कत आए या मस्टाइटिस की दिक्कत बने। तो पहले नंबर पे ही काफी शानदार ये जोटी दिखाई। सजन भाई रेट, रेट मंजीत इसका आज का रखा भैया 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए रेट रखा है। सारी चीज बढ़िया भाई, थनों का गैप है जी, क्वालिटी पीठ बाड़ी है, सारी चीज में अच्छी है भाई जी जी जी, सींग नेचुरल है, कोई छेड़खानी नहीं है भाई, और बिल्कुल छोटे सींग के साथ में ये मेल काफी है। देखिए आगे दूसरे नंबर पे ये भाई मंजीत भाई, ये भी दूसरे पे आती है जी, इसको कहने को चाहे पहले हम चला लो, 6 दांत जी जी, एक्चुअल में है ये दूसरे दांत। अच्छा अच्छा, लेंथ बहुत बढ़िया है। इसमें कितना दूध आज? इसमें मौके पे 15 से 12 ही है। 15 से 12, बच्चा क्या है साथ में? इसके नीचे भी मेल काफ है। कितने दिन की होगी ब्याई? होगी आज 9-10 दिन की। 15 किलो दूध, 9-10 दिन की ब्याई हुई, साथ में मेल काफ। वैसे पहले ब्यांत की बता दी जाती है ऐसी जोटियां, क्योंकि दूसरे में भाई है। बिल्कुल 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 छोटे सींग की है जी, और जो थन है इस जोटी का भी काफी अच्छा है। एक दूध वाले पशु के लिए जो थन की बनावट है या लेवे की बनावट है वो अलग ही दिखाई पड़ जाती है, टाइट अडर की है, बिल्कुल छोटा सींग है जी, पीछे से काफी ज्यादा चौड़ी है जोटी ये भी। अब की बार पशु हैं काफी अच्छे लेके आए, क्योंकि पिछली वीडियो में तो ज्यादा जायज के चक्कर में शायद
75-70 हजार तक। वीडियो में भी बोला था कि रेट ज्यादा होगा, जी जी वो कम रेट के थे, लेकिन जैसी चीज होगी रेट तो वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी फेस वैल्यू है जी, चाहे 3 बैत रख लो, बिल्कुल ऐसा कैसा रहे, सराफत भी इतनी और एक लेंथ नहीं मिलती भाई। जी जी चाहे मिल जाती, लेंथ का बहुत बड़ा पंगा है। इसका क्या प्राइस रखा है? इसका रखा देने वाला 1,15,000 रूपए। जी जी ले चलो बांध लो। अब वही फर्क आ जाएगा कि उसमें 15 है वो सवा की जी, और ये 15 की। जी जी डिफरेंस होता है, उसकी हेड लेंथ इससे कहीं ज्यादा है। नहीं वो अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है। वो तो जिसको लेनी है ना वो पशु देखता है, वो इन चीजों को नहीं देख सकता। एक छोटी हाइट की भैंस बिक जाए 2 लाख की और उच्ची तगड़ी ना बिके 1 लाख की भी, वो चीजें अलग अलग होती है। लंबा उच्चा तो सफेदा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो, नहीं देखता भाई। तो ये वाली जोटी ये मंजी खीस से खाली हुई है भाई। दूसरा ही ब्यात है जी, और कल सुबह इसने बच्चा दिया था, लगभग खाली कर दी थी। जी जी नीचे इसके कटड़ी है भाई। जी खोल के पहले ब्यात की क्या रिपोर्ट है इसकी? पहले की 14 किलो दूध है, नंगाड़ा गाँव है जी, अपने जो आवल आवल से गला के डिगडी से गला निकाला। जी जी तो अभी थोड़ा बहुत थनों में छोड़ रखा है, 19-20 होगा ना मात्र। जी जी ये देखिए दूसरे ब्यात की जोटी जी, साइज तीनों की तीनों वैसे हैं, साइज में काफी अच्छी हैं, क्योंकि हर बार जायज के चक्कर में जो अच्छे पशु खरीदने वाले हैं वो भाई कमेंट करते हैं कि ज्यादा कम रेंज के चक्कर में पशुओं में क्वालिटी नहीं है, लेकिन अब की बार सभी की सभी वैसे हैं वो क्वालिटी वाली हैं। और एक ऐसा फार्म जिस पे जो ग्राहक हैं उनका तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जिस भाई के पास 50-60 हजार रुपए हैं वो भी यहाँ पे पशु लेने की जो हिम्मत रखता है। जी जी ये देखिए, तो यहाँ पे और भी पशुपालक आए हुए हैं जो अपने पशु देख रहे हैं चुवाई वगैरह करके, क्योंकि ज्यादा तो कह नहीं सकते जी, बाकी वेंस वगैरह पीठ से कवर के अंदाजा लगा रहे हैं कि 16-17 तक जोटे नॉर्मल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए जी। और एक चीज मैं आज इस वीडियो में जरूर बताना चाहूंगा, लोग कुछ व्यापारी भाई कमेंट कर देते हैं कि 70-80 हजार में खोले बेचने वाले पशुपालक होते हैं। मैं कहूंगा क्या पता 2 लाख में भैंस ना मिले और 1 लाख वाली भैंस है वो अच्छा दूध निकाल दे। और इस चीज को आप देख सकते हैं, लोकल हमारे यहाँ के जो हरियाणा के लोकल ग्राहक आए हुए हैं ये देख सकते हैं, ये अपना पशु है वो चुवाई करके देख रहे हैं और देख के जांच के लेते हैं। सज्जन भाई भी हर बार यही बात बोलते हैं कि पीछे का बड़ा आदर जी, चौड़ाई देख लो इसकी जी, ये खाली होने के बाद है ना थन, ये भर के आएगी ना जी, मुकाबला नहीं, बिल्कुल खाली कर दोगे ना थन को तो और भी अच्छा दिखाई देगा। और फिर पीठ में भी, पीठ बहुत ही अच्छी। क्या रेट रखा इसका? रखा 1,15,000 रूपए। 1,15,000 रूपए देखिए जी, 1,15,000 में काफी बड़े साइज की जोटी। ये तो होगी थोड़े से ऊंचे रेट जी, अब आ जाते छोटे रेट की। जी जी उच्चे रेट की नहीं है सजन भाई, हरियाणा में तो 10-20-25 लाख की बोली लग रही है, ये छोटे ही रेट में काउंट हर तरह का आता है। बिल्कुल करना पड़ता है मंदिर, बाकी दूध की जगह पे देखे तो अच्छे। मैं आपको बोलता हूँ देखो दोनों की लग रही है, ये देखिए दोनों भैंसों की चुवाई साथ ही चल रही है जी, और चुवाई बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई है। आगे इधर इसका पहला ब्यात है भाई जी, ये गरणौठी से आई है। जी जी और छोटी आज होगी 4 दिन की जी, और मौके पे होगा आज 8-9 किलो दूध होगा अभी इसमें। अच्छा अच्छा, नीचे इसके साथ कटड़ा है भाई, शायद ही कटड़े का पता भी नहीं चलता, इतने इतने पशुओं में बच्चा क्या है साथ में। पहले ब्यात की और अर्डर की जो बनावट है वो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी इस जोटी की भी, जोशीला लेवा है, टाइट और बिल्कुल फिट थनों की बनावट है वो भी काफी अच्छी है। और ये देख सकते हैं सींग नॉर्मल सा खुला है, लेकिन वैसे ही भाव हो जाते हैं, क्योंकि यही बंद सींग होता तो इसका रेट और भी ज्यादा हो जाता है। ये देखिए जी नीचे से तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कोई भी पशु परचेज करता है सबसे पहला काम चुवाई साफ सुथरी हो, नीचे से साफ सुथरा पशु हो, बाकी रेट के हिसाब से तो बगैर सिंगों की भी बिकती हैं। या बात करें जो 19-20 नुक्स होती है वो पशु भी अलग से बिक्री वाले होते हैं, काफ़ी भाई हैं कम रेंज का करते हैं, लेकिन रेट के हिसाब से पशु है वो चाहे छोटी पेमेंट का हो तो भी अच्छा ही लेके आते हैं। तब इसके ऑर्डर की बनावट है भाई जी, ये मान लो कोई टेढ़ापन नहीं है, टाइट बहुत ज्यादा टाइट है। तो सजन भाई कितना कुछ दूध निकाल देगी? 11-12 किलो दूध से नीचे रहेगी नहीं भाई। और रेट? रेट रखा सिर्फ देने वाला 70,500 रूपए। ले चलो 70,500 रूपए प्राइस रखा है इस जोटी का, पहले ब्यात की। वैसे पीठ बाडी इसकी भी काफी अच्छी है,
बाखड़ी अगर गबन होती तो जो बाखड़ी बेचने वाले हैं ऐसी ऐसी जो तीन महीने की गबन बिक जाए 70-75 की कितनी है थड़ों की जी, ये देख पीछे हर जगह से जो ये देख सकते हैं। तो इधर ये वाली ये भी पहले दांत की दो दांत है भाई, दो दांत नीचे इसके भी कटड़ी है भाई। जी जी अब इसकी पीठ देख लो भाई, खाली कर चुके हो? बिल्कुल खाली है जी, 8-9 किलो दूध भी होगा जी जी, चौथा दिन इसका है, खाली हो चुकी है जी। लेवा शायद इतना बड़ा नहीं दिखाएगी लेकिन दूध 8-9 किलो अभी भी है, दूध मौके पे है भाई। दो दांत मुंह से दो दांत जोटी। सजन भाई ले आओ, लंबी मत लेके जाओ, ले आओ। ये देखिए जी साइज इस जोटी का भी बहुत ही अच्छा है, और ये कम रेंज वाली जो भैंसे ले आओ इधर ले आओ। दो दांत की वैल्यू होती है, हालांकि लेवा जोटी का उतना बड़ा नहीं है लेकिन जो भाई खाली होने के बड़ा बनाती है। जी जी टाइट रखेगी, उतना सफाई का है, टाइट रखेगी जी टाइट। लेकिन धार में ऐसी है भाई बच्चा निकाल ले। जी जी ये देखिए थन भी बहुत अच्छा निकाल रखा है, दूसरे व्यात की जोटी की तरह। तो इसका क्या प्राइस है? इसका देने का प्राइस है 75,000 रूपए। 75,000 रूपए। इधर लास्ट में काफी भाइयों के फोन आ रहे थे कि मीनी भैंस दिखाइए, इसमें मंजिता 12+ दूध है जी, 11 रिकमेंड करते किसे टाइम तो लो भाई। ब्यात दूसरा है। अच्छा नीचे की ऐसी मीनी भैंस लगभग सजन भाई नीचे से तो बहुत ही अच्छी मिलती है, लगभग अच्छी मिलती है भाई। खोली बेटा उसने। 11 किलो दूध, कितने दिन की भाई हुई है? 14 दिन की। 14 दिन की। हाँ। बिल्कुल छोटे छोटे सींग है जी, 6-6 अंगुल के, और काफी भाई शुभ मानते हैं मीनी को या बूरी को, कम मिलती है, एंटिक पीस होते हैं, और ऑर्डर की जो बनावट है इसकी भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी। ये देखिए ले आओ भाई, बिल्कुल टाइट और फिट लेवे की है, और फील्ड में लगभग 3-4 जो बंदे हैं घूमते रहते हैं, अच्छे पशु लेके आते हैं जायज रेट के भी और अच्छी क्वालिटी के हाई रेट के भी। ये देखिए लगभग ये वीडियो हम 3 बजे के आसपास कवर कर रहे हैं जी, और जो नीचे से ये भी काफी अच्छी बनी हुई है। सजन भाई इसका क्या रेट रखा है? इसका रखा 85,000 रूपए। 85,000 रूपए प्राइस रखा है। दिखा दे मुझे, 2 मिनट लगे पहले बार उनकी देख लो। जी जी बच्चे के लिए दूध छोड़ दिया है और 1.5-2 घंटे भी मिल्किंग का टाइम बचा। जी जी ये देखिए जी थनों में अलग से दूध दिखाई पड़ रहा है, और इधर आप जिंदा मान लो, डिब्बे का मान लो, कुछ मान लो, 7 से 12 दूध आज भी। जी जी और ये इसका निकल रहा है भाई, ये देखिए तोल के ले जाए, बोल के ले जाए, खोल के ले जाए, वो यही कर ले भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका जो मोबाइल नंबर है वो आपको वीडियो में स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ साथ में चुवाई की है, इधर और भी पशुपालक आए हुए हैं अपनी संतुष्टि कर रहे हैं। एक बार उसकी जरूर धार मरवाऊंगा मंजीत जी, 1 मिनट रुक जाओ, बाकी लेंगे तो। तो हमारे यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो खुद पशु जांच के परख के फिर लेके जाते हैं, बाहर से भी पशुपालक आते हैं, मैं तो कहूंगा अपनी तसल्ली जरूर करके लें, क्योंकि पेमेंट इन्वेस्ट चाहे हम कर रहे हैं या आप कर रहे हो, संतुष्टि बनती है। क्योंकि वीडियो में सजन भाई की एक बात काफी अच्छी लगी कि पशु मीठा होना चाहिए, बंदा मीठा है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बंदा वही सही है जो थोड़ा कड़ा होता है। तो ये मीनी भैंस की भी थोड़ी आपको पसमाव लगा के चुवाई दिखा रहे हैं। जी जी ये देखिए जी दोनों भैंसों की बाल्टियां जो फुल हैं, और बच्चे के लिए भी छोड़ रखा है, ये देखिए। क्योंकि पता है क्या बात है, ऑनलाइन की बात आ जाती है, ऑनलाइन तब भेजी जाती है जब पहले पूर्ण रूप से अपनी संतुष्टि हो। बिल्कुल। और ये सांस का जीव हो भाई, रास्ते में कुछ हो जाए कौन किसको बोल लेगा। बिल्कुल। सबसे बढ़िया तो यही, अपनी आके देख के संतुष्टि करके लो। जी जी उसमें कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके थ्रू कैसे दी कैसे उधार देखना है, एक मिनट। तो बात होती है चुवाई की, मीनी भैंस जिसको काफी भाई घर और व्यापार के लिए शुभ मानते हैं, कम मिलती है। देखिए पसमाव पे आ गई है थन, इसने भी अच्छा थन निकाला, ये देखिए जी ये बात निकालने का मेन बात है भाई, चुवाई नीचे से अच्छी हो, डार टाइट ना हो, छर्रा छीक ना हो। अब वो सारी चीजें एक बार सामने आ जाए उसके बाद कोई आके चोले। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो एक फौजी भाई उनसे बात भी चल रही है इसकी जी। प्रदीप भाई थोड़ा उधर होना, थोड़ा साइड में दिखा दे, ये देखिए जी मारो डार मारो, उस साइड भी करो, थोड़ा धार दिखाई नहीं पड़ी, ये देखिए जी पिछले थनों की ओर लगा दो। देखिए व्यापार में वही पशुपालक सक्सेस है जो नीचे से भैंस साफ सुथरी लेगा। तो सभी की सभी भैंसे बिक्री के लिए जी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, जितने भी भाई जुड़े हैं सभी का
वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार पाउस फिर मिलेंगे किसी नए पशुपालक के यहाँ पे। ये देखिए जी, लास्ट में फिर से पशुमाव दिखा रहे हैं क्योंकि भाई ने थोड़ा जल्दी बच्चे को बांध दिया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें जी सभी भाई। वीडियो में जुड़े सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।